हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलिजाबेथेन एज से जो नेट में क्वेश्चंस आए हैं उनको लेकर के चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ए नंबर है जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, थॉमस किड, ये सारे यूनिवर्सिटी बिट्स हैं। बी विलियम कांग्रेव, विलियम वायरले, जॉर्ज एथरीज, जॉर्ज फारकर, ये सारे रेस्टोरेशन एज के प्लेराइट हैं। सी है जॉन एवर्ट, मिलोस, जेम्स कॉलिंसन, फोर्ड मैडक्स ब्राउन, दांते गैब्रियल रॉस्टी, ये सभी प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के राइटर हैं। इनको प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के राइटर कहा जाता था, जिसमें दांते गैब्रियल रॉस्टी जो है वो प्रमुख इनमें से हैं, और अर्नेस्ट डॉसन, लाइनन जॉनसन और डब्ल्यू बी ईस्ट, ये सब जो है ये द राइमर्स क्लब के राइटर हैं। द डिकाडेंस ऑफ 1860s के राइटर हैं सभी। सेकंड क्वेश्चन है शेक्सपियर्स सोनेट्स। शेक्सपियर्स सोनेट के जो है क्या हैं, ये जो है ऑप्शन में जो फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें करेक्ट ऑप्शन है आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर डब्ल्यू एच, ये किसी अननोन मिस्टर डब्ल्यू एच को डेडिकेटेड जो है शेक्सपियर के सोनेट हैं। और कुछ सोनेट इनके जो है लगभग 24 या 27 करके कुछ सोनेट जो है वो एक डार्क लेडी को जो है डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट्स बिलो द स्पेंसरियन स्टेंजा इज करेक्ट, तो इसमें ओनली फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि जो स्पेंसरियन स्टेंजा है वो एन एट लाइन स्टेंजा विद सिक्स आयम्बिक फीट फॉलोड बाय नाइन्थ इन आयम्बिक पेंटामीटर, यानी इसमें शुरुआत में सिक्स आयम्बिक फीट्स होते थे और लास्ट में जो है नाइन्थ वाला जो होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है डॉट डॉट वाज द फर्स्ट सॉनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश, तो जो फर्स्ट सॉनेट सीक्वेंस इंग्लिश में था वो एडमंड स्पेंसर्स एमआरटी जो था वो पहला जो है सॉनेट सीक्वेंस था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे सभी, जो करेक्ट है वही पढ़ देते हैं, बाकी आप लोग जो है वीडियो पॉज करके देख लेंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है गार्बोडक इज अ ट्रेजडी वाइल राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर एंड गैमर गर्टन्स नीडल आर कॉमेडीज। गार्बोडक ट्रेजडी जो है वो इंग्लिश हिस्ट्री की फर्स्ट ट्रेजडी मानी जाती है, और राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर जो है वो इंग्लिश हिस्ट्री की फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इज शेक्सपियरन प्ले कंटेन्स द लाइन, लाइन है देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पायरो, ये लाइन किस में की है, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पायरो, तो ये लाइन आपकी हैमलेट में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इन्फिनिट इज इन फैकल्टी इन फॉर्म एंड मूविंग, हाउ एक्सप्रेस एंड एडमायरेबल इन एक्शन, हाउ लाइक एन एंजल इन एप्रीहेंशन, हाउ लाइक अ गॉड, व्हाट डज हैमलेट मार्वल एट इन दिस पैसेज, इसमें जो है मैन को रिफर किया गया है। क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है पूरा जो है लाइन दी हुई है और पूछ रहा है ये कहाँ से लाइन ली गई है, तो लाइन है एट द ग्रे आइड मॉर्न स्माइल्स ऑन द फ्रॉनिंग नाइट चेक रिंग द ईस्टर्न क्लाउड विद स्ट्रीक्स ऑफ लाइट एंड फ्लैक्ट डार्कनेस लाइक अ ड्रंकर्ड रील्स फ्रॉम फोर्थ डेज पाथ एंड टाइटन्स बर्निंग फील्ड, ये लाइन आपकी रोमियो एंड जूलियट ड्रामा जो शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है
उसके एक्ट सेकंड सीन थर्ड से और लाइन नंबर 1, 2, 4 है। इसमें सेक्स जो स्पीकर है जो उसने जो है ड्रॉनिंग ऑफ अ न्यू डे का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सीक्वेंस। में करेक्ट सीक्वेंस बताना है तो सबसे पहले इसमें जो है बताया गया है द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, द यूनिवर्सिटी वीट्स, द राइमर्स क्लब, द ट्रांजिशनल पोएट और द स्कॉटिश चासरियन। इनका जो है सीक्वेंस बताना है तो सबसे पहले स्कॉटिश चासरियन जो है आए जो कि लगभग चासर के टाइम में थे। फिर आपके द यूनिवर्सिटी वीट्स आए जो 6 यूनिवर्सिटी वीट्स थे। उसके बाद ट्रांजिशनल पोएट आए, तब आपके द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड यानी जिनमें जो है डिजीरोसिटी आपके थे। उसके बाद द राइमर्स क्लब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये जून 2012 में आया है। क्वेश्चन है द ट्रेजडी ऑफ फेरॉक्स एंड पोरेक्स इज द अदर टाइटल ऑफ, यानी ट्रेजडी ऑफ फेरॉक्स एंड पोरेक्स का जो है दूसरा नाम जो है जो मेन नेम है वो क्या है, वो गारबोडक इसका नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड्स इफ इट वर डन व्हेन हिज डन देन इट वर वेल इट वर डन क्विकली आर अटर्ड बाय, ये किसके द्वारा कही गई हैं, तो ये लाइंस जो है वो मैकबेथ द्वारा कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विलियम शेक्सपियर्स, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलेनस आर बेस्ड ऑन, तो ये जो है प्लूटार्च के लाइफ पर जो है डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो आर करेक्ट। क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन से, तो फर्स्ट है किंग एडवर्ड सेकेंड वाज रिटन इन द लास्ट ईयर्स ऑफ मार्लोज लाइफ, ये भी करेक्ट जो है स्टेटमेंट है। सेकेंड है मैनी क्रिटिक्स कंसीडर डॉक्टर फास्टर टू बी मार्लोज बेस्ट प्ले, ये करेक्ट है। और फिर हिज स्पेनिश ट्रेजडी कम्स अ क्लोज सेकेंड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मार्लो वाज लेस एजुकेटेड देन शेक्सपियर, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि शेक्सपियर उतना एजुकेटेड नहीं थे जितना कि मार्लो। मार्लो यूनिवर्सिटी वेट्स के प्रमुख जो है राइटर थे जबकि हैमलेट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजडी। इसमें हैमलेट रिवेंज ट्रेजडी है जो कि हैमलेट अपने पिता को मार देता, जो है चाचा को मार देता है अपने पिता के मरने का बदला लेने के लिए। डर चाजाब मॉर्फी गारबोडक ये सब जो है रिवेंज ट्रेजडी हैं जबकि वालपोन जो है वो रिवेंज ट्रेजडी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, हु एमंग द फॉलोइंग राइटर्स डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। तो यूनिवर्सिटी विट्स में जो है लगभग ये चारों बिलोंग करते हैं, जॉन लिली, थॉमस नैच, जॉर्ज पीले, लेकिन थॉमस किड को जो है इसमें यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं शामिल किया जाता है लेकिन कभी कभी शामिल कर दिया जाता है। मोस्टली जो है ऐसा बताया जाता है यूनिवर्सिटी विट्स में थॉमस किड नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 16, एसर्शन है ओथेलो किल्ड डिस्डेमोना, ओथेलो ने डिस्डेमोना का मार डाला था, ये करेक्ट सीक्वेंस है। बिकॉज डिस्डेमोना कमिटेड इनफाइडेलिटी, ये इनकरेक्ट है। तो इसमें ए ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो फ्रेंड्स ये 16 क्वेश्चंस यहीं पर रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।